हेलो दोस्तों, मैं नितनी हूँ ब्लॉग को। आज तुम लोग देखना, और मेरा नाम दिव्या शील है। अच्छा। और मैं आज पेंटिंग में हिस्सा लेने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टिल लाइफ काम करेंगे पेंटिंग में। उसके बारे में जितना हो सकेगा मैं आप लोगों से बताऊंगा, और आप लोग आगे जुड़े रहना। और एक छोटा सा बच्चा काम करने वाला है, जो मेरा भाई है, उनको एक बार देख लो। ये बच्चा काम करेगा, तुम्हारा नाम बोल दो। मेरा नाम दिव्या शील है। अच्छा। और मैं आज पेंटिंग में हिस्सा लेने वाला। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ। यहाँ पर देखो, सब सेटअप कर दिया है मैंने, और ये भी यहाँ पे बैठा है। अभी मेरा काम करने का जगह यही है, यहाँ पर ही मैं काम करता हूँ ज्यादातर। क्या ड्रॉ कर रहे हो? ये घर, किसका घर है ये? गाइस, सेटअप कर लिया हमने, तो अब देख लो एक बार क्या क्या सेटअप कर लिया। ये मेरा कलर पैलेट है, दोनों वाटर कलर पैलेट, एक कलर है वाटर कलर है। ये शीट ले लिया, जमीन पे रख के हम काम करेंगे, और ये सेटअप कर लिया। ये है मेरा सेटअप, एक बार देख लो ये सेटअप। और मेरे साथ है ये, देखो वो अभी उसका खुद का काम कर रहा है। कैसा लग रहा है पेंटिंग करके? बहुत ही अच्छा। मुझे अच्छा लगता है, बच्चे लोग जिस चीज में ग्रोथ करता है उसमें अगर उसको इंटरेस्ट दे दे हम लोग बड़े लोग, तो उसमें वो अपना ग्रोथ कर सकेगा। कैसे बनाई है, कहाँ पे दिखा ये काम? ये मेरे पापा से सिखाया। आपके पापा ने आपको सिखाया? बहुत अच्छा सिखाया। आउटलाइन खत्म हो गया है, मुझे पूरा आउटलाइन करने में तकरीबन 20-25 मिनट लगा। इससे बहुत अच्छी तरह से बात की है, इसको अगले वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको घर पे छोड़ना है। ये मेरे बगल वाले घर पे रहता है। मेरा घर एक लोग पीछे वाला हिस्सा है, और पीछे भी एक घर है। घर के सामने पेड़ है। और सामने से मेरा घर उस ऊपर बिल्डिंग पे, ऊपर बिल्डिंग पे हम रहते हैं। घर पे आके अभी काम शुरुआत करते हैं, फिर से जहाँ पे छोड़ते हैं। थोड़ा सा बच्चा है ना इसलिए। ये देखो मेरा और एक स्टिल लाइफ वर्क है, और यहाँ पर भी और एक काम रखा है। ये देखो, मैं इसको मैं अब कलर करता हूँ, तो देखते कलर करने के बाद कैसा लगता है। काम ये देख लो, अभी तक इतना हुआ है। ये रही एक स्टूडेंट की काम। मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को मेरे तरह काम सिखाने की, क्योंकि मुझे जितना टेक्निक आता है वो सीख जाने के बाद वो लोग अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। इसलिए मुझे जितना नॉलेज है वाटर कलर के बारे में, उसके बारे में मैं कहता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो, अब लाइट थोड़ा कम है, बारिश हो रही है इसलिए लाइट थोड़ा कम हो गया। जो मैं अभी कर रहा हूँ, स्टिल लाइफ कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। बारिश हो रही है बाहर, मुझे लग रहा है अब तो सूरज उठने वाला नहीं है, तो आर्टिफिशियल एक लाइट लगाना पड़ेगा। लाइट लगाने से इसका जो नेचुरल जो लाइट सोर्स था वो थोड़ा घटेगा, वो चेंज होगा। देखते आप कितना दूर तक कर पाते। आप लोग को अगर स्टिल लाइफ के बारे में अभी कुछ जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, तो
वहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। के लिए यहाँ पर मैंने जो कलर इस्तेमाल किया, यहाँ पर ब्राउन कलर इस्तेमाल किया, ऑरेंज किया, सैप ग्रीन किया और स्कारलेट किया, वर्मिलन रेड किया, पुशियन ब्लू इस्तेमाल किया, मैं सब डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कौन सी कलर मैंने इस्तेमाल किया। वैसे तो अब आर्टिफिशियल लाइट है, इसलिए लाइट सोर्स उसका शेडिंग वगैरह भी चेंज होने वाला है। शेडो के लिए मैं ज़्यादातर जो कलर इस्तेमाल करता हूँ पुशियन ब्लू, सैप ग्रीन और बांसना। तो मगर यहाँ पर जो नीचे जो कर्टन है ये ब्लूइश है, तो इसमें थोड़ा मैं ब्लू को इस्तेमाल कर रहा हूँ और थोड़ा ब्राउन को। और मेरे साथ मेरा ये छोटा भाई, वो भी पेंटिंग करता रहता है। मुझे मालूम नहीं वो आगे जाके पेंटिंग को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, मगर मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे देख के वो पेंटिंग करता रहता है। इससे थोड़ा बहुत उसे भी अच्छा लगता है और उसको भी, उसका भी प्रैक्टिस हो जाता है। इससे उसे भी थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी इस पेंटिंग के बारे में। और उसके साथ मुझे इस बार इस वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए। अगले ही दिन एक और एक दूसरा सा वाटर कलर में काम स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ मैं हर दिन कुछ ना कुछ छोटा बहुत ऐसा काम करता रहता हूँ, क्योंकि हर दिन अगर काम नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है, हर दिन काम करना चाहिए, इससे अपनी स्किल डेवलप होती है, नॉलेज डेवलप होती है। और इसके साथ मेरा हर रोज़ का काम चलता ही रहता है। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों को अगर पेंटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं हिंदी ऑडिशन में पेंटिंग कंपटीशन में, जो हम कोई दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी मेरा एक दोस्त है। हेलो दोस्तों, मैंने न्यू ब्लॉग को आज तुम लोग देखना और जुड़े फिर है मेरे भाइयों को देखना। और मेरे साथ एक दादा है কি বলবো, দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।